वेलकम बैक टू वेरोनिका लाइफ स्टाइल। मेरा नाम है सोनाली सक्सेना एंड आज का जो वीडियो है गाइज वो होने वाला है सेलिब्रिटी इंस्पायर्ड। मैं बहुत टाइम से इस वीडियो को बनाने की सोच रही थी एंड बहुत टाइम से कपड़े रख के बैठी हुई थी कि अब स्टाइल करूँगी बट यू नो बहुत सारे शूट्स पेंडिंग थे, तो इस वजह से मैं इस वाली वीडियो को शूट ही नहीं कर पा रही थी। अपलोड करना तो खैर बहुत दूर की बात है। सो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं फटाफट से ये जो वीडियो है, ये जो आउटफिट्स हैं, ये स्टाइल करूँगी एंड आप लोगों से शेयर करूँगी। सो मैंने कोशिश की है कुछ सेलिब्रिटीज़ के आउटफिट लाइक कॉपी करने की, कुछ मिलते जुलते। सो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी पूरा का पूरा लुक। सो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए, बिकॉज मैं इतनी ज़्यादा बात करती हूँ ना, और मैं जब बात करती हूँ तो मैं बात पता नहीं क्या क्या बोलती चली जाती हूँ और वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है, फिर उसे कट करने में, एडिटिंग करने में बहुत दिक्कत आती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस यहाँ पर जो फर्स्ट आउटफिट मैं स्टाइल करने वाली हूँ वो मैं करने वाली हूँ कृति सेनन का। यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हैं, उन्होंने सिंपल डेनिम ऑन डेनिम लुक उन्होंने वियर किया हुआ है, जो कि बहुत बहुत स्टनिंग लग रहा है एंड बहुत ही कैजुअल है, जिसे आप हर जगह लाइक यू नो स्टाइल कर सकते हैं, चाहे कॉलेज के लिए या फिर अगर आप कहीं जा रहे हैं तो भी आप स्टाइल कर सकते हैं। सो बहुत ही सिंपल, बेसिक एंड बहुत ही स्टाइलिश है एंड मैंने भी कुछ इसी टाइप का लुक क्रिएट किया है, काफ़ी हद तक सेम है। सो यहाँ पर मैंने अपनी डेनिम की शर्ट वियर की है, उसकी स्लीव्स को मैंने फोल्ड कर लिया है, शॉर्ट्स वियर की है एंड गॉगल्स मेरे थोड़े से डिफरेंट शेड के हैं, बाकी बहुत अच्छे लग रहे हैं। कुछ ब्लू शेड ही है, टू डिफरेंट ब्लू शेड्स हैं एंड बहुत अच्छे लगते हैं ये। सो इसके अलावा गाइज मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर की हील्स वियर की है एंड ब्लैक कलर का बैग लिया है। सो पूरा का पूरा जो फुल कॉम्बिनेशन है गाइज वो बहुत स्टनिंग लग रहा है एंड बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो आप इस तरह का लुक क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा लुक है। सो गाइज इसके बाद जो नेक्स्ट सेलिब्रिटी है वो है सारा अली खान, उनका आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं। उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल सी रेड कलर की ड्रेस वियर की है एंड इसके ऊपर एक जैकेट वियर की है एंड साथ में हील्स फुटवेयर के लिए उन्होंने हील्स वियर की है, लाइक जिसे हम बोलते हैं बैली हील्स पहनी है। सो मेरे पास जो ड्रेस है गाइस वो बिल्कुल काफ़ी हद तक मिलता हुआ इसी तरह का ड्रेस था, बिल्कुल बॉडीकॉन एंड फ्रंट से स्लिट है। सो बहुत ही बिल्कुल मिलता जुलता ड्रेस है, सो मैंने वो वियर किया है एंड ये ड्रेस अर्बेनिक से मैंने लिया था। जैकेट की बात करें तो मेरे पास इस तरह का कोई भी जैकेट नहीं था, सो मैंने उस चीज़ को स्किप किया है एंड हील्स मेरे पास थी इस टाइप की, बैलीस लाइक जो थी है पहनी हुई उन्होंने उस टाइप की थी, काफ़ी हद तक मिलती जुलती, तो मैंने यहाँ पर वो वियर की है एंड सिंपल डेंटी ज्वेलरी। सो गाइज ये लुक भी काफ़ी हद तक मिल रहा है एंड काफ़ी सिमिलर लग रहा है। सो ये लुक भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, बिकॉज बहुत ही बेसिक सा, सिंपल सा है एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सो आप इस तरह का लुक क्रिएट कर सकते हैं एंड इस तरह की ड्रेसेस आपको इजीली कहीं पर भी अवेलेबल लगी यू नो मिल जाएगी, बॉडीकॉन ड्रेस जो कि फ्रंट से स्लिट हो, एंड मैंने तो ऑर्गेनिक से ली थी, आप चाहें तो ऑर्गेनिक पर चेकआउट कर सकते हैं। सो इसके बाद जो नेक्स्ट लुक है गाइज वो है दीपिका जी का एंड उनके मैंने यहाँ पर काफ़ी सारे लुक्स क्रिएट किए हैं। यू नो जब मैं सेलिब्रिटी लुक्स क्रिएट कर लाइक ढूंढ रही थी तो मुझे उनके काफ़ी सारे लुक्स बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे, तो उनके मैंने ऑलमोस्ट 3 लुक्स लिए हैं और उनको मैंने लाइक यू नो वो लुक जो है मैंने रिक्रिएट करने की कोशिश की है। सो यहाँ पर जो फर्स्ट लुक है वो यू कैन सी दैट उन्होंने एक शर्ट वेयर की हुई है जो लाइक वन शोल्डर है। सो मैंने क्या किया कि यहाँ पर मैंने अपनी वाइट कलर की शर्ट लिया, उसे एक शोल्डर पर पहना है एंड दूसरा जो मैंने उसको यहाँ पर बटन लगा लिया था एंड पूरा का पूरा जो बाकी का बचा हुआ हिस्सा था वो मैंने पूरा का पूरा टक कर लिया था जीन्स में। बट इसको पहनने में मुझे बहुत देर लग गई थी गाइस, लिटरली अगर आपको ऐसा कुछ स्टाइल करना है ना, कॉपी करना है ऐसा कुछ, तो आप थोड़ी सी बड़ी शर्ट लेना या तो ओवरसाइज्ड लेना या फिर अपने ब्रदर की, अपने हस्बैंड की या अपने मैन की, किसी की भी आप शर्ट लेना, कोई बड़ी शर्ट लेना ताकि आप आराम से पहन पाओ और आप बहुत ही कंफर्टेबल लाइक फील करो, क्योंकि मैं इसमें बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी। वैसे ये लुक बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा लगा मुझे, बट मैं कंफर्टेबल फील इसने नहीं कर रही थी बिकॉज मेरी शर्ट बहुत छोटी थी एंड मैं ऐसे हाथ ऊपर भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उन्होंने पोनी बना रखी है और मैं इस हालत में नहीं थी कि मैं बाल ऊपर करके और अपने हाथों को ऊपर करके और पोनी वगैरह बना सकूँ, तो मैंने हेयर स्टाइल को स्किप कर दिया है। यहाँ पर हुप्स की बात करें तो काफ़ी हद तक मिलता जुलता मेरे पास हुप था, तो मैंने यहाँ पर
गोल्डन प्लस पर्ल वाला. सो मैंने वहाँ पर हुप्स पहने हुए हैं एंड स्किनी फिट मैंने जीन्स वियर की है. एंड गाइज ये लुक भी बहुत प्यारा है एंड इसके साथ मुझे लग रहा था कि वाइट कलर की हील्स काफ़ी ज़्यादा प्यारे लगेंगे. सो मैंने वाइट कलर की हील्स पहनी है एंड ये लुक भी बहुत बहुत पसंद आया है मुझे. बस शर्ट थोड़ी सी ओवर साइज होनी चाहिए, बाकी कोई इशू नहीं है इस लुक के साथ में. सो इसके बाद जो नेक्स्ट लुक मैंने उनका क्रिएट किया है गाइज, वो मैंने यहाँ पर किया है ये वाला. एंड इसमें उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल सा स्कर्ट वेयर किया है ब्रोकेट का, जिसे उन्होंने व्हाइट कलर के शर्ट के साथ स्टाइल किया है. सो गाइज ये लुक अभी उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में था. इनफैक्ट मुझे लगता है कि ये हमेशा ट्रेंड में ही रहता है. आप आज भी अगर वेयर करेंगे तो आज भी स्टनिंग लगेगा ये वाला लुक. तो आप इस तरीके से अपनी ब्रोकेट के जो लहंगा है या स्कर्ट है उसको स्टाइल कर सकते हैं. मेरे पास यहाँ पर एक ब्रोकेट का स्कर्ट था जो कि काफ़ी हद तक लाइक डिज़ाइन इतना तो नहीं मिल रहा था, बट फिर भी काफ़ी हद तक मिलता जुलता स्कर्ट था. एंड ये मैंने लिया था मिंत्रा से एंड मिंत्रा पर ये आपको अभी भी मिल जाएगा, तो आप मिंत्रा से जाके ले सकते हैं. और गाइज इस स्कर्ट को मैंने सिंपल प्लेन शर्ट के साथ स्टाइल किया. एंड उनके जो इयर रिंग्स थे वो थोड़े से रेड मतलब पर्ल वाले एंड पूरे स्टड टाइप के काफ़ी बड़े बड़े से इयर रिंग्स थे, बट मेरे पास इस टाइप के थे नहीं, तो मैंने थोड़े से डिफरेंट इयर रिंग्स पहने हैं. एंड बहुत बहुत प्यारा लुक है. एंड यू कैन सी दैट इस लुक को आप चाहे तो किसी पार्टी के लिए भी स्टाइल कर सकते हैं. बहुत प्यारा लुक है किसी पार्टी के लिए, फंक्शन के लिए. एंड यू नो अभी फेस्टिवल का सीजन चल रहा है, तो आप चाहे तो फेस्टिवल में ट्राई कर सकते हैं. बहुत प्यारा लुक है एंड काफ़ी क्लासी लगता है ये, यू नो बहुत ज़्यादा क्लासी लगता है. सो मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये वाला लुक. आप चाहें तो ऐसा लुक क्रिएट कर सकते हैं अभी फेस्टिवल्स के लिए या फिर किसी भी फंक्शन वगैरह के लिए या वेडिंग के लिए. सो इसके बाद जो नेक्स्ट लुक है गाइज, वो यहाँ पर आप देख सकते हो उनका थर्ड लुक ये वाला था, जिसमें उन्होंने एक जीन्स वेयर की है, सिंपल प्लेन टी शर्ट है एंड अगेन उन्होंने जैकेट वेयर की है जो कि एक लेदर जैकेट है एंड गॉगल्स लगाए हैं. एंड ये लुक भी बहुत 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 अच्छा लग रहा था. सो गाइज अभी आप मेरा लुक देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो रिक्रिएट किया है. यहाँ पर गाइज मैंने स्किनी फिट जीन्स वेयर की है, उसके साथ मैंने टी शर्ट वेयर की है. मेरे पास कोई भी वी नेक की टी शर्ट नहीं थी, सो यहाँ पर मैंने सिंपली गोल गले की लाइक राउंड नेक की टी शर्ट वेयर की है, जिसका नेक थोड़ा सा डीप है. और इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर लेदर जैकेट वेयर की है और मैंने बूट्स वेयर करे हैं जो कि बहुत अच्छे लगे हैं बूट्स. बिकॉज मुझे उनका दिख तो नहीं रहा था कि उन्होंने क्या वेयर किया है, बट मुझे लग रहा था कि इस पूरे कॉम्बिनेशन के साथ बूट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगेंगे. सो मैंने बूट्स वेयर किए हैं, गॉगल्स लगाए हैं एंड ये जो लुक है गाइस बहुत बहुत ज़्यादा स्मार्ट लुक है. और इस लुक को ऑलरेडी मैं ट्राई कर चुकी हूँ, यू नो मतलब उनका लुक देखने से भी पहले मैं बहुत बार इस लुक को क्रिएट कर चुकी हूँ ऑलरेडी, और मुझे बहुत प्यारा लगता है. एक तो एकदम बहुत सिंपल इजी एंड बहुत अच्छा लुक है एंड विंटर सीजन के लिए तो एकदम मस्त है. ठंड भी नहीं लगेगी आपको और आप स्टाइलिश भी लगोगे. सो बहुत अच्छा लुक है. ऐसा लुक आप डेफिनेटली क्रिएट कर सकते हैं, आप बहुत अच्छे लगने वाले हो. आँख बंद करके अगर आपको कुछ इस तरह का आप सोच रहे हो तो कर लो, बिकॉज ये बहुत बहुत अच्छा लुक है. इसके बाद जो नेक्स्ट लुक है गाइज, वो यहाँ पर मैंने किया है आलिया भट्ट का. और यहाँ पर जो उनका ये लुक है उसमें उन्होंने स्कर्ट वेयर की है स्लिट वाली, एक टी शर्ट है एंड बहुत बहुत प्यारा सा उन्होंने बन बनाया हुआ है एंड बहुत प्यारा सा हेयर स्टाइल है. सो बहुत प्यारा लुक है. एंड यहाँ पर जो मैंने लुक क्रिएट किया है गाइज, वो बिल्कुल काफ़ी हद तक लाइक मुझे लगता है मेरे अकॉर्डिंग मैंने काफ़ी हद तक कॉपी किया है, लाइक काफ़ी हद तक सिमिलर है. कॉपी नहीं सिमिलर बोलेंगे, काफ़ी हद तक सिमिलर है. सो यहाँ पर मेरे पास डिटो सेम टू सेम वही प्रिंट वही कलर बिल्कुल वैसी ही स्कर्ट थी. सो ये मैंने अर्बैनिक से ली थी वाली स्कर्ट एंड बिल्कुल वैसी ही स्कर्ट थी, तो इसकी वजह से ये लुक में काफ़ी अच्छी जान आ गई है एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है ये वाला लुक. तो यहाँ पर मैंने भी बहुत ही प्यारा सा हेयर स्टाइल बनाया है, काफ़ी हद तक कॉपी हो गया है लाइक सिमिलर हो गया है. एंड साथ में मैंने टी शर्ट वेयर की है फुल स्लीव्स की एंड पैरों में मैंने फुटवेयर में मैंने यहाँ पर ट्रांसपेरेंट हील्स वेयर की है. एंड ये जो लुक है गाइज ये काफ़ी सिमिलर है एंड बहुत बहुत अच्छा लग रहा है. सो इस लुक को भी गाइज आप एज अ कैजुअली वेयर कर सकते हैं या फिर कॉलेज के लिए कहीं पर भी स्टाइल कर सकते हैं. बहुत ही प्यारा लुक है एंड सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो लुक है गाइज ये बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है. आप बहुत कम्फर्टेबल फील करोगे, पूरा दिन होल्ड कर सकते हो इस आउटफिट में. सो गाइज इसके बाद जो नेक्स्ट लुक मैंने क्रिएट किया है वो किया है मैंने कियारा आडवाणी का. एंड इसमें उन्होंने साड़ी वेयर की है ब्लैक कलर की एंड आई थिंक क्या बोलते हैं उसको 1 hour later.
जॉर्जेट की साड़ी आई थिंक उन्होंने वियर की है, और मेरे पास ऑलरेडी जॉर्जेट की साड़ी थी एंड मैंने बिल्कुल सेम इसी टाइप का लुक क्रिएट किया है। सो मेरे पास जो जॉर्जेट की साड़ी थी वो मैंने मीशो से ली है, ये वाली जॉर्जेट की साड़ी, एंड इसके साथ मैंने एक ब्रालेट वियर किया जो कि मैंने नॉर्मली लोकल स्टोर से ली थी। एंड इसके अलावा मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर की ज्वेलरी वियर की, जैसे कि उन्होंने वियर की हुई थी, एक बिंदी लगाई हुई थी, तो सेम मैंने भी ब्लैक कलर की बिंदी लगाई है, ग्रीन कलर का नेक पीस वियर किया है, नेकलेस वियर किया है, एंड उन्होंने इयर रिंग्स नहीं भी पहने हुए थे बट मैंने यहाँ पर इयर रिंग्स ऐड किए हैं ताकि जो लुक है वो और भी ज़्यादा अच्छा लगे। सो यहाँ पर मैंने ग्रीन कलर के इयर रिंग्स वियर किए हैं, ब्लैक कलर की हील्स पहनी है। सो गाइस ये लुक भी बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बस एक कमी रह गई है और वो ये कि हेयर स्टाइल मैंने बालों को ओपन रखा हुआ है एंड उन्होंने बालों को पूरा लाइक बांधा हुआ था, आई थिंक जूड़ा बनाया हुआ था। सो मैंने वो चीज़ मैं एक्चुअली भूल गई थी, मुझे याद ही नहीं रहा था, सो बस ये चीज़ का थोड़ा सा रह गया और वो मुझे ना बाद में एडिटिंग करते टाइम जब मैं एडिटिंग कर रही थी तब मुझे पता चला कि हाँ मैं तो भूल ही गई हूँ। तो ये चीज़ रह गई थी, बाकी मैंने काफ़ी तक सिमिलर कोशिश की कि मैं इस लुक को वैसा ही रिक्रिएट करूं। सो गाइज आई होप आपको ये सारे के सारे लुक्स पसंद आए होंगे जो मैंने क्रिएट किए हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि कौन कौन से सेलिब्रिटीज़ के लुक्स जो मैंने रिक्रिएट किए हैं, आपको किस किस सेलिब्रिटी वाले लुक लाइक मेरे वाले पसंद आए हैं। एंड अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पर, फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हो, तो आप फटाफट से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड अगर आपने अब तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से जाके लाइक कर दो यार, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड अब मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय गाइज।